तो मेरी पुकार सुन ले, नहीं तो कल से मेरा विश्वास ही उठ जाएगा योग से, ध्यान से, भजन से, भगवान से। और रोते रोते प्राणायाम करने लगा, एक ही दिन में 3 किलो घट गया, 3 महीने तक खिसका ही नहीं। तो भाव का की भी बड़ी महिमा है। बोले भाव से क्या होता है? अब मैं देखो, पुरुषार्थ से सब कुछ होता है, ये मैं रोज कह रहा हूं। अब भाव से क्या होता है? अब जैसे आंसू तो सबको होते हैं, लेकिन जिनका भाव नहीं होता उनकी आंखों में कुछ टपकता ही नहीं, कहते हैं तो पाषाण हृदय। अब भाव से आंसू आते हैं, ये सबको पता है। भाव से भक्ति आती है, इमोशंस जनरेट होते हैं, भाव से होते हैं, वो मेहनत से नहीं होते कि कोई ऐसे दौड़ लगाए कि आंसू निकाल अंदर से, ऐसे दंड बैठक लगाए कि आंसू निकलना, कि एक भाव, इमोशन, इमोशन है वो। भाव से ही आदमी के सारे काम होते हैं। अब मैं थोड़ा पराकाष्ठा पर कह रहा हूं इस बात को। भाव से ही व्यक्ति भक्ति करता है, भाव से ही व्यक्ति संसार में संबंध बनाता है। ये जो पति पत्नी है, ये क्या है? भाव है। भाव से ही व्यक्ति संतान पैदा करता है कि मैं अपने प्रतिनिधि तैयार करूं। भाव से ही व्यक्ति ऊर्ध्व रेता होता है, सन्यासी बनता है। भाव से ही व्यक्ति सब कुछ करता है, इमोशंस उसको ड्राइव करते हैं। तो ये जो फिजिकल पुरुषार्थ है, इसकी तो सीमा है। जैसे सामान्य व्यक्ति खूब पुरुषार्थ कर लेगा तो कितनी बार कर लेगा? 100, 200, 500 बार कर लेगा। एक्सेप्शन के तौर पर कुछ लोग होंगे जो 5000 बार कर लेंगे। चलो अब पैर में फासला दोनों हाथों को, अब 50-50 बार करके आपको 100 बार करना है। अब लिमिट है, आप लगातार 100 बार कर सकते हो, 200 बार कर सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो अब एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लंबे लंबे श्वास। मैं कह रहा हूं पुरुषार्थ से भी अब बड़ी शक्ति प्रार्थना की है। बोले स्वामी रामदेव, आपका तो स्टेटमेंट चेंज हो गया, कल तक तो ये कह रहे थे कि पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने हमेशा जोड़ा है पुरुषार्थ प्रार्थना पूर्वक हो। प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ के सातत्य से ही जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलती है। अब देखो, पुरुषार्थ की बात मैं बहुत कह चुका हूं, प्रार्थना की बात कहूं। लंबे लंबे श्वास, और एक एक श्वास के साथ प्रार्थना, प्रभु मेरा वजन घटाओ, प्रभु मेरे रोग मिटाओ, मेरी व्याधियां मिटाओ। लंबे लंबे श्वास। तो शरीर की शक्ति तो सीमित है, बॉडी को एक हद तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, मन की शक्ति असीमित है, अपरिमित है, अनंत है। इसलिए मन ही मन, जैसे कल प्रार्थना पूर्वक कर रहे थे, करते करते ही आधा आधा किलो घटा लिया, किसी किसी ने एक एक किलो भी घटा लिया, किसी का भी खिसक ही नहीं रहा है। बोले प्रभु, एक जगह आके अटक गया हूं, अब त्रिशंकु हो गया, रोज घट रहा था, अब तो एक जगह आके अटक गया हूं, कहीं भटकने जाऊं प्रभु। यह अटका भटकी में, लटका झटकी में, लंबे लंबे श्वास। तो जब प्रार्थना पूर्ण हृदय होता है ना, तो इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, एक अलग विज्ञान है, कॉस्मिक पावर है, कॉस्मिक पावर्स। आप लोग अपना अपना करते रहिए, सूर्य नमस्कार जिनको करना हो सूर्य नमस्कार करें, जिनको वजन बढ़ाना हो 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, 100-100 बार दंड बैठक लगा रहे हैं। शाम को मैंने 200, 300, 500 बार तक करने के लिए आपको मैंने निर्देशित किया हुआ है। और मैं अपने जीवन का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी नया शुरू कर दिया, मेरे यही प्रोजेक्ट है योग वाले, कि 3 महीने में मुझे जो अंडरवेट्स हैं, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा, ये रिसर्च, ये भी एक नया रिसर्च शुरू हो गया है, कि 3 महीने में
15-20 किलो वजन बढ़ जाएगा। अब जिसका वजन होना चाहिए 60-65 किलो, अब उसका वजन अटका हुआ है 40-45 पर। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, बहुत से भाई हैं हमारे। अब इन्होंने भी ऐसा पूरा प्रयास पहले किया नहीं था, और मैंने भी इनको वैसा करने के लिए कहा नहीं था, इसलिए इन्होंने भी सोचा चलो अब तो इसी जैसा है ऐसा ही जी लेते। जो मैंने कहा था कि बॉडी को कितना एक्सप्रेस कर सकते, अपने माइंड को कितना एक्सप्रेस कर सकते, एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों शब्दों के डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक हद तक जाकर के ना फिर रुक जाते हैं, बोले बस अब कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं। और इसको कैसे, प्रार्थना पूर्वक। कुछ भक्ति मार्गी हैं, वो खाली प्रार्थना ही प्रार्थना करते हैं। कुछ कर्मयोगी हैं, वो कर्म ही कर्म करते रहते हैं। कुछ ज्ञान योगी हैं, बस सुबह से शाम तक ज्ञान की बातें झाड़ते रहते हैं। केवल ज्ञान से, केवल भक्ति से, केवल कर्म से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए महर्षि दयानंद ने क्या कहा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ज्ञान भक्ति, ज्ञान योग कर्मो योग और भक्ति योग के संगम से जीवन में सुधार होगा, उद्धार होगा। तो जिनको वजन घटाना है वो एक एक क्षण सुन लो, लंबे लंबे श्वास भरते हुए ऐसे ही कि प्रभु अब तो सब भार हर लो, निर्भार बना दो प्रभु। अब पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर हम पहुंच चुके हैं, सौ सौ बार कर रहे हैं प्रभु, अब तो उद्धार करो, अब तो, और पूरी ताकत के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे माने पूरे इमोशंस के भी एक्सट्रीम पर, पुरुषार्थ के भी एक्सट्रीम पर, एकाग्रता अपने आप ही एक्सट्रीम पर चली जाएगी। फिर एकाग्रता की भी पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, प्रार्थना की पराकाष्ठा, और एक जब एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हम पहुंच जाते हैं, और फिर ऐसा रूपांतरण शुरू होता है जिसको जो करना है। मैंने कहा कि अपने अपने अभ्यास, मोटापा घटाने वाले, बढ़ाने वाले, ऐसे ही जिनको शुगर है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको कैंसर है, उनको मैं बोलता हूं कपाल भांति आधा एक एक घंटा सुबह शाम, और अनुलोम विलोम पूरे दिन भर करते रहो। एक स्वामी प्यारी बहन ने किया, मैंने अपने साइंटिस्ट से कहा अनुराग जी से कि भाई उसकी वर्टिब्राज पूरी फ्यूज हो गए थे, वो रीजनरेट हो गए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैंसर से सारे वर्टिब्राज करीब करीब फ्यूज हो गए, काफी में तो कुछ बचा ही नहीं। उसको स्ट्रेचर पर लेके आए, दोबारा से सारे वर्टिब्राज आ गए। किससे? 8-8 घंटा प्राणायाम। तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में जो आता रहा मैं बोलता गया। आपको मैं सच कहता हूं, ये जो इंस्पिरेशंस है, मुझे जो आते गए, जो रोगी देखा उसको बोला तू ये कर लेना, तो ये कर लेना, तुम ये कर लेना, उसने वो किया, वो ठीक हो गया। मैंने कहा तुम जो है दिन भर अनुलोम विलोम करो, लेटे लेटे 3 महीने में वर्टिब्राज दोबारा आ गए, जो स्ट्रेचर पर आई थी वो चलने लग गई। जिसको जो करना है बस करते। अब लोग मुझे देखते हैं, बोलो बाबा जी अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी बताओ, सक्सेस मंत्र दो हमको, कैसे आप आगे बढ़े। अरे भैया हमको तो पता ही नहीं हम कब आगे बढ़ गए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई ज्यादा चक्कर में मत पड़, अपना काम कर ले। लेकिन काम कैसे करना? ज्ञान पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, भगवान के नाते करना। यत करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि यद दधासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषमदार्पणम्। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधि। लंबे लंबे श्वासों के साथ एकाग्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रभो आपकी शरण। जिनको जो पाना है उस संकल्प को अंदर ही अंदर दोहराते रहे। संकल्प से सिद्धि, ये जो शब्द सुनते वो यही है,
संकल्प से सिद्धि। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य मध्यम यति से ऐसे करते और फिर देखो कब जीवन रूपांतरित हो जाएगा तुम्हें भी नहीं पता। कब बीपी मिट गया, कब शुगर मिट गया, कब कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया, कब हार्ट के ब्लॉकेज निकल गए, कब तुम्हारा वेट निकल गया, कब तुम्हारे भीतर से एक स्वामी रामदेव जैसा आदमी निकल गया पता ही नहीं लगेगा। और कैसे अपने आप जिनको बढ़ाना है बस जो जो पाना है ना वो प्रार्थना अंदर चलती रहे। तो मैं कह रहा था कॉस्मिक एनर्जी वो भी तुम्हारा साथ, पूरी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी। ये होता है जोर कुछ न कर पाए खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर ले, असाध्य प्रार्थना पूर्वक भीतर से प्रार्थना बाहर से पुरुषार्थ। इसको कई शब्दों में हमने कहा भीतर से पूर्ण शांति पूर्ण निवृत्ति, बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता पूर्ण प्रवृत्ति पूर्णता। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहने को ये एक सिद्धांत है, सब जगह पूर्णता है, लेकिन ये सिद्धांत बिना प्रैक्टिकल के थ्योरी है खाली, बिना प्रैक्टिकल के कोरी बातें हैं। ये पूरी तरह से तन्मय होकर के एक एक अभ्यास कर